अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछले साल की तरह इस साल भी हम लोगों ने इमाम खुमैनी हॉस्पिटल अलीपुर कर्नाटक, जिसकी ज़ेरे बुनियाद रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह उज़्मा अली खामेनेई क़िबला ने 1980 में की थी। हम लोगों ने बज़ेरे निगरानी सरपरस्त आला बताउन अंजुमन जाफ़रिया, इदारे सज्जादिया, जुमा जमात अल बलाग ऑर्गेनाइजेशन अलीपुर के मोमिनीन, अलीपुर के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ, पीएचसी, टीएचओ और डीएचओ के मदद से कोरोना केयर सेंटर का इनेखात किया है, जिसमें तकरीबन 90% मोमिनीन अलीपुर का तआवुन रहा है और 10% बैरून अलीपुर और रहबर मुअज़्ज़म के दफ्तर से तआवुन रहा है। पिछले साल तकरीबन 100 कोरोना मरीजों का इलाज हुआ था, उसमें तकरीबन 98% शफायाब हुए थे। इस बार हमने तकरीबन अब तक 50 कोरोना मरीज़ों का इलाज किया है, उसमें 90% सहतियाब होकर घर जा चुके हैं। अब हमारे पास 5 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, 1 बाईपैप मशीन और तकरीबन 25 ऑक्सीजन सिलेंडर और दीगर अदवायात मौजूद हैं। इंशाअल्लाह आइंदा भी हम लोग खिदमत खल्क करते रहेंगे। हम कोविड सेंटर के करीब खड़े हुए हैं। ये जो पीछे देख रहे हैं आप, कोविड सेंटर है। यहाँ पर जो आप इज्तिमा देख रहे हैं, ये सारे खिदमत करने वाले हैं, उलमा, डॉक्टर हजरात, अंजुमन जाफरिया, इदारे सज्जादिया, डॉक्टर स्टाफ और उसके साथ साथ जो वॉलंटियर्स हैं, ये सारे हैं जो हर तरह की खिदमत करने के लिए तैयार हैं। ये आई के हॉस्पिटल कोविड सेंटर के बाहर हम लोग मौजूद हैं, अलीपुर, आई के कोविड सेंटर अलीपुर। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ। ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಇಮಾಮ್ ಖುಮೈನಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಾಗೆ ನಾವು ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನು ಈ ನಮ್ಮ ಊರದು ಧರ್ಮಗುರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಊರ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರ ನೇತೃತ್ವದಾಗೆ ಇದು ಇದೊಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಗುಣಮುಖ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಪ್ರದೇನು ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕಾಗೈತೆ, ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸುಮಾರು ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ, ಸಾವುದು ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬ ತೀರ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಅದೊಂದು ದೇವರ ದಯ। ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುಣಮುಖ ಆಗಿ ಜನಗಳು ಹಲವಾರು ತುಂಬ ಆಗಿ ಇದು ಏನೋ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಬೇಡಿ ಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಗಿದ್ದಾರೆ। ಉಚಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇದರಾಗೆ ನಮ್ಮ ಊರ ಡಾಕ್ಟರು, ನಮ್ಮ ಊರು ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಈ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಜುನೇ ಜಾಫ್ರಿಯಾ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಸಜ್ಜಾದ್ಯ ಕಮಿಟಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ಯಾರು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಪುರದು ಯುವಕರು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಇದೆ ಇದರಾಗೆ ಓದಿಸೋ ಬಂದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಊರಾಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರವಾದಿ ಸಂಭವ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವೇಳೆ ಸಾಧನೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾದಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಾಧನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸತ್ರೆ ಅದು ಸಾವಿಗೆ ಅವಮಾನ, ಆರು ದೇಶ ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಅದು ಬದುಕಿಗೆ ಅವಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ವಿನಂತಿ। ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್। I'm Dr. Sayyed Asrar Ahmed, working as a duty doctor at Imam Khomeini COVID Care Center, Alipur, Karnataka. As we all know, the second wave of this deadly COVID coronavirus has hit India very hard. There are so many people who are in need of oxygen, medicine, hospital beds, etc. But we, with the help of Anjuman Jafriya Alipur, Idare Sajjadia Alipur, doctors of Alipur, and especially the donors of Alipur, we have opened this center for the people in need to provide oxygen, medicines and other treatment required for the patients. We already had a number of patients, more than 30 patients admitted here, more than 20-25 of them got discharged, got treated and also discharged. Thank you. Prathamika Arogya Kendra Alipura, jo PHC Alipura hai, वहाँ का मेडिकल ऑफिसर हूँ और ताल्लुक की तरफ से
मुझे इस आई के हॉस्पिटल के कोविड केयर सेंटर में एक ऑफिसर बना के भेजा है। जो भी यहाँ पे जितने भी पेशेंट दाखिल होते हैं, डिस्चार्ज होते हैं, उनका ट्रीटमेंट जो चलता है, उनका सारा रिपोर्ट ताल्लुक़ और डिस्ट्रिक्ट को पहुँचाना होता है। रिपोर्ट पहुँचाने के बाद माशाल्लाह से ताल्लुक़ और डिस्ट्रिक्ट में दोनों तरफ से तारीफ मिल रही है कि वहाँ पर ट्रीटमेंट अच्छा हो रहा है। और हत्ता यहाँ तक भी हमें फ़ोन और कॉल आ रहे हैं कि बाकी जो दूसरे ताल्लुक़ के लोग हैं या दूसरे गांव के लोग हैं, वो भी यहाँ आकर ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं। इससे पता चलता है कि हॉस्पिटल एक अच्छे निज़ाम से और एक अच्छे तरीके से यहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है और लोग यहाँ पर शिफायाब हो के जा रहे हैं। और सलाम की तरफ से आपको मेडिसिन वगैरह बिल्कुल आ रही है, सप्लाई है? अभी कुछ दिन पहले जो इन सारे लोगों ने एक एप्लीकेशन दाखिल की थी कि हम लोग कोविड केयर सेंटर ओपन कर रहे हैं, इसकी वजह से जो भी गवर्नमेंट से जो सहूलियात करना चाहते हैं तो उन्होंने कुछ मेडिसिन यहाँ पे पहुँचाया है। और अभी इसे भी बहुत कोशिश जारी है कि और भी कुछ सहूलियात अगर गवर्नमेंट हमको देना चाहती है तो लाकर हम उनको देंगे।